दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नील दिखाएगा अक्षरा और आरोही का सच अभिमन्यु को। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं सभी घर वाले इसी बात पर एग्री कर जाते हैं कि आरोही ने अभिमन्यु की जान बचाई है। वही अभिमन्यु ये सच भी कहीं ना कहीं आधा अधूरा ही जानता है और उसे लग रहा है कि कोर्ट में जो डॉक्टर का वाला कोट है वो आरोही ने पहना था तो आरोही उसकी जान बचाई है। लेकिन नील यहाँ पर सारी सच्चाई सामने ला देगा कि उसके मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और उसी मोबाइल में सब पता चलता है। और यहाँ देखने को मिलेगा कि अब नील और अभिमन्यु दोनों का अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अभिमन्यु आरोही से शादी के लिए हाँ करने वाला होता है। लेकिन दूसरी तरफ नील कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि अक्षरा की आंखों में उसने प्यार ज़रूर देखा है और उसने आधा अधूरा सच ही उसे बताया था कि मैं तुम्हें सच ज़रूर बता दी दोस्त के नाते, लेकिन अभिमन्यु का भाई तुम पहले हो, मेरा दोस्त बाद में, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या नहीं कर चुकी। वो नील को ये बात दिमाग में बैठ जाती है और वो अभिमन्यु को भी समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये अभिमन्यु के मोबाइल में ही सब कुछ रिकॉर्ड हो रखा होता है और अभिमन्यु के सामने ये सारा सच आएगा। और कोई और नहीं, नील ही उसके सामने एक हिंट दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभिमन्यु अपना मोबाइल देखता है और मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड हो रखा होता है और सबके यहाँ पर अभिमन्यु की होश उड़ जाते हैं कि आरोही नहीं अक्षरा ने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद ने यहाँ पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है और अभिमन्यु के पास में अक्षरा का ब्रेसलेट भी मिलता है जो कि उसकी होश उड़ा देता है। तो काफी कुछ ड्रामा और काफी कुछ गलतफहमियां यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ही यानी कि आरोही अभिमन्यु के रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी तो दूसरी तरफ अभिमन्यु के सामने सचाएगा और उसी के बाद ने फिर से ये सगाई रुकेगी और अक्षरा का ही हाथ अभिमन्यु थामने वाला है, ये तो हम जानते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स के साथ में कहानी आगे बढ़ने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है उनके जरूर बताएं।